हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्त का शादी में नेपाल। जी हाँ, नेपाल। और सबसे खास बात यह है कि हम लोग जितने भी दोस्त हैं और मतलब एक साथ इंटर में पढ़ाई करते थे, एक साथ रूम में रहते थे और क्लास भी एक ही साथ जाते थे। तो गाइस इंटर का एग्ज़ाम के बाद सारे दोस्त मतलब वो सब अपने अपने घर चले गए। तो गाइस अभी हम लोग 3 साल बाद, जी हाँ 3 साल बाद हम लोग एक साथ फिर से मिलेंगे, तो बहुत खुशी की बात है। तो गाइस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आई होप ये वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आगे आप लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस ये रहा कटिहार स्टेशन और ये एक डिस्ट्रिक्ट है कटिहार और यहाँ पे हमारा घर है। तो गाइस यहाँ से कटिहार का स्टेशन का जो लुक है ये फ्रंट साइड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ एक छोटा सा पार्क मतलब ऐसे ही गार्डन टाइप का बना हुआ है। और गाइस यहाँ पे इसका मतलब ये एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और यहाँ से इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइस ये यहाँ पे कोयला, जो पहले हमारी ट्रेन जो चलती थी वो उसकी इंजन कोयला वाली इंजन थी, जो कोयला से ही चलती थी वो ट्रेन, तो वो अब तो बंद हो चुकी है। तो उसी के याद में ये ट्रेन का इंजन यहाँ पर रखी हुई है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कटिहार जंक्शन स्टेशन कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। फाइनली गाइज अभी हम लोग कार्तिक यहाँ पहुँच चुके हैं और गाइज कल ट्रेन में वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मैं आप फोन डिस्चार्ज हो चुका था और शाम भी हो चुका था, इसी कारण सोचे कि चलो सुबह में बोलो कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज ये रहा कार्तिक का घर और ये अभी हम लोग छत पे हैं और यहाँ पे पंडाल बना हुआ है। और गाइज शादी का बहुत ज़्यादा ही तैयारी हो रहा है क्योंकि आज ही शादी है। तो गाइज आप लोगों को नीचे का भी डेकोरेशन दिखा देंगे। तो गाइज इस वीडियो में लास्ट में आई होप ये वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ से आगे आप लोग कंटिन्यू करें। साइड में घर है, ये यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है, तो आप लोग को भी ये डेकोरेशन दिखा देते हैं। तो गाइस ये जो नज़ारा है ये सुबह टाइम का है। तो गाइस मैं आपको यही चीज़ मैं रात में भी आपको दिखाऊंगा, मतलब रात में इसका नज़ारा कैसा दिखाई देता है। तो गाइस फिलहाल अभी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है इसमें डेकोरेशन करने में। अभी भी इसका काम हो ही रहा है, बहुत सारे लोग है इसमें काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इसमें मेहनत लग रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं क्योंकि शादी आज ही है, तो इन लोग को आज ही फिनिश करना होगा ये सारा काम। तो गाइस इससे पहले जो वीडियो देखें वो सुबह का वीडियो था, उसमें सुबह का नज़ारा था, और अभी जो देख रहे हैं ये एक रात का सीन है। और गाइस ये सड़क है और सड़क के ऊपर में एलईडी लगा हुआ है, बहुत सारा एलईडी का प्रयोग किया गया है और ये काफ़ी दूर तक है, बट हम वीडियो को कट कर दिए हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो गाइस ये बस अभी एक सड़क का सीन दिखा रहे हैं और अभी ये रहा मतलब पंडाल का सीन, वहाँ का जो डेकोरेशन किया गया है उसका नज़ारा दिखा रहे हैं। और गाइस ये रहे हमारे दो दोस्त जो काफ़ी समय बाद मिले हैं, 3 साल बाद।
तो गाइज यहाँ पर ड्रोन कैमरा का भी प्रयोग किया गया है, आप देख सकते हैं जस्ट सामने में ड्रोन कैमरा है और इससे भी कई जगह शूटिंग किया गया है। और गाइज ये ड्रोन DJI कंपनी का है जो कि सबसे बेस्ट होता है। घर आ चुके हैं और शादी इंजॉय भी कर लिए और दोस्त लोग से भी मिलिए, काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि 3 साल बाद मिले थे। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आई होप अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट और शेयर कर दे, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।